इसके बाद 13 नंबर में क्या रहा है कि इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज 3। अच्छा, इसके रूट का क्वाड्रेटिक, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का अर्थमेटिक मीन यहाँ 3 है, तो ए का वैल्यू निकालना है। अच्छा, एक और काम कर सकते थे इसको बनाने के लिए, देखो एक और तरीके मैं बता रहा हूँ। अर्थमेटिक मीन क्या है इसके रूट्स का, तो हम लोग अगर सम ऑफ रूट्स की बात करेंगे, सम ऑफ रूट्स की बात करेंगे, तो इसका सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा 12 नंबर में, तो निगेटिव ऑफ एक्स का कोफिशियंट और बाई में एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, तो 6 हो जाएगा। तो इसका अर्थमेटिक मीन हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 नहीं आ जाएगा। देखो तो कितना सिंपल तरीका हो गया, अर्थमेटिकली हम दिस इक्वेशन इज 3, तो ए का वैल्यू निकालना है। मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4ax माइनस 5 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन हमने सही कर लिया। इसमें से देखिए हम लोग x कॉमन कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 4a माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसका अर्थमेटिक मीन 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन यानी कि अगर हम लोग सम ऑफ जीरोज और बाई में 2 कर दें तो काम बन जाएगा सम ऑफ जीरोज, या रूट्स कर देते हैं सम ऑफ रूट्स बाई में 2, यही ना आपका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। यानी रूट के सम में 2 से डिवाइड कर अर्थमेटिक मीन आ जाएगा, ये 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी हो जाएगा सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, निगेटिव ऑफ एक्स का कोफिशियंट और वाई में एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट और इंटू यहाँ वाई में 2 है इक्वल टू में 3। ये जाकर उधर मल्टीप्लाई करेगा, माइनस 4a प्लस का 2 इक्वल टू में यहाँ 6 हो जाएगा, ये जाकर उधर माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस 4a इक्वल टू में 4, a का वैल्यू यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा, तो माइनस 1 इसका वैल्यू हो जाएगा 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं।